ये सेकेंड ईयर बाया हुआ है आपके पास, चैप्टर नंबर 27 है, 27 अप्रैल 2020। और इसके अंदर हम देखेंगे डीफॉरेस्टेशन एंड ईफॉरेस्टेशन। अब डीफॉरेस्टेशन क्या होती है? डीफॉरेस्टेशन में ये होता है कि अगर आप जंगलात की कटाई कर रहे हैं, जंगलात काटते जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है? डीफॉरेस्टेशन कहलाती है। और एफॉरेस्टेशन क्या होती है कि कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पर जंगल पहले मौजूद नहीं था, वहाँ पर खुद आप जंगल या जो फॉरेस्ट हैं, जो वुड्स हैं, वो एस्टेब्लिश करवा रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है? एफॉरेस्टेशन कहलाती है। और एक और टर्म आती है बाहर के अंदर, वो है रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन से क्या मुराद है कि एक आपके पास जगह थी, वहाँ पे आपने जंगल काट दी है, दोबारा से नए सिरे से वहाँ पे जंगल लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? रीफॉरेस्टेशन कहलाएगी। तो अब इस सारे टॉपिक को हम डिटेल से देखते हैं। तो पहले नंबर पर हम देखेंगे कि जो डीफॉरेस्टेशन है वो की क्यों जाती है, यानी जंगलात क्यों हैं, ठीक है, वो क्यों काटे जाते हैं। तो फॉरेस्ट आप इस वजह से क्लियर करते हैं क्या, ताकि आपको लंबर चाहिए। अब लंबर क्या है? लंबर वो लकड़ी है जिससे आपके घरों की जो कबर्ड वगैरह हैं, ठीक है, और जो फर्नीचर वगैरह है और जो विंडोज वगैरह वो बनती हैं, ठीक है। उसके बाद देखें कि जो फॉरेस्ट है इस वजह से भी जो है क्लियर किए जाते हैं, काटे जाते हैं, ताकि आप जो है, ठीक है, फॉरेस्ट वाली लैंड को कन्वर्ट कर सकें, कि इसके अंदर एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर कन्वर्ट कर पाएँ। यानी आप फॉरेस्ट को इस वजह से क्लियर कर रहे हैं ताकि फॉरेस्ट वहाँ से खाली करके या उन्हें क्लियर करके आप उस लैंड को यूज़ कर सकें फॉर प्लांटिंग क्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद देखें कि जो फॉरेस्ट है, ठीक है, जो जंगलात वाली ज़मीन है, ठीक है, वो इस वजह से भी क्लियर की जाती है ताकि आप वहाँ पे जो कैटल्स हैं उनके लिए चरागाहें बना सकें, और वहाँ पे अपनी अपनी जो कैटल्स हैं, ठीक है, उन्हें उनकी ग्रेजिंग करवा पाएँ, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या है? जो पाकिस्तान है, ठीक है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आता है और इसके अंदर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने, पॉपुलेशन जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, अपने शेल्टर नीड के लिए और फूड की डिमांड के लिए कंटिन्यूसली क्या करती जा रही है? फॉरेस्ट को यूज़ करती जा रही है, फॉरेस्ट को हार्वेस्ट करती जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से फॉरेस्ट हार्वेस्ट किए जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, अपने बेनिफिट्स के लिए, उस तरीके से दोबारा से रिप्लेस नहीं किए जा रहे हैं। यानी फॉरेस्ट अपने बेनिफिट के लिए काटे तो जा रहे हैं, लेकिन दोबारा से उतने लगाए नहीं जा रहे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो शेल्टर में क्या आ जाता है? शेल्टर में हाउसेज आ जाते हैं। तो आपको पहले बता दिया कि अगर कोई जंगल जो है, ठीक है, शेल्टर के लिए काटा जा रहा है, तो किस लिए शेल्टर के लिए काटा जा रहा है? ताकि आप उस जंगल की जब कटाई करेंगे तो उससे वुड हासिल होगी, और वो जो वुड है, ठीक है, वो डिफरेंट हाउसिंग मटेरियल के अंदर इस्तेमाल हो गए, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी जो फूड की डिमांड है, ठीक है, ह्यूमन बींग जो है फॉरेस्ट से हासिल करते हैं। उसके अलावा ये फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं अपनी बहुत सारी फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेस्ट हैं क्या हो रहे हैं? डिस्टर्ब हो रहे हैं। आगे आपके पास आता है फूड की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये पहले मैंने आपको बता दिया कि जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए हमारे यहाँ डीफॉरेस्टेशन की जाती है, जंगलात की कटाई की जाती है, ताकि जो फॉरेस्ट वाली ज़मीन है उसे एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर कन्वर्ट किया जाए, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ायर्ड क्रॉप जो हैं वो ग्रो करवाई जाएँ, और अपनी मर्जी का जो फूड है, ठीक है, वो हासिल किया जाए। और बहुत सारे जो जंगलात हैं वो इसलिए भी काटे जाते हैं ताकि वहाँ से आपको वुड हासिल हो, और वो जो वुड है, ठीक है, आप अपने तरीके से, ठीक है, उसे अपने घरों में इस्तेमाल कर पाए। अब आगे बता रहे हैं कि जो लीफ कैनोपी ट्री है, ठीक है, इनको भी काटा जा रहा है, लेकिन जब लीफ कैनोपी ट्री काट दिए जाते हैं तो सॉयल अरेजन होती है। अब ये जो सॉयल अरेजन है ना, ठीक है, ये क्या चीज़ है? आपने हमेशा याद रखना है कि पानी के तेज बहाव की वजह से अगर सॉयल कट कट के आगे बहना शुरू हो जाए तो उसे हम क्या बोल देते हैं? सॉयल अरेजन बोल देते हैं। अब इस चीज़ को, दो चीज़ों को आपको डायग्राम में देखना पड़ेगा। पॉज कर लें कि ये आपके पास कनोपी ट्री है। कनोपी ट्री कौन से होते हैं? जिनकी बड़ी सी छतड़ी होती है, या कहने के जिनकी छत का बहुत बड़ा जो है कवर होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? कनोपी ट्रीज बोल देते हैं। तो ये आपके पास कनोपी ट्री है, ठीक है, ये कनोपी ट्री है। अब देखें, बहुत तेज़ी से बारिश बरस रही है, और जब बहुत तेज़ी से बारिश बरसेगी ना, तो जो कनोपी ट्री के जो लीव्स हैं, ठीक है, वो बारिश का जो फ्लो है, बारिश का जो फ्लो है सॉयल की तरफ, बारिश का जो फ्लो है किसकी तरफ? सॉयल की तरफ, उसे स्लो डाउन कर देते हैं। जब बारिश का जो फ्लो है, ठीक है, सॉयल की तरफ स्लो डाउन हो जाता है, तो फिर क्या होता है? तो जो सॉयल की कटाई है, यानी सॉयल अरेजन जो है, ठीक है, वो कम हो जाती है, जो सॉयल है वो कट कट के नहीं बहती पानी के साथ। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सॉयल जो है ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्लांट ग्रोथ के लिए। तो अगर सॉयल कट कट के बहना शुरू हो जाए ना, ठीक है, पानी के साथ, तो फिर आपकी जो अर्थ है, ठीक है, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं रहती कि वो प्लांट को सपोर्ट कर पाए, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर आप
लीफ कनोपी वाले जो ट्री हैं, यानी कनोपी वाले जो ट्री हैं ठीक है, वो काटते जाएंगे तो बहुत तेज़ी से जब बारिश बरसेगी, तो वो जो बहुत तेज़ी से बारिश बरस रही है ठीक है, वो सॉइल को काटती जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो लैंड है एक वक्त आएगा वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जब कोई भी लैंड डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो उसकी जो रिकवरी है वो हज़ारों सालों तक पॉसिबल नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल से ये कनोपी ट्री वाला कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा, अगर तब भी नहीं समझ आया तो मुझे पूछ लेना आपने। उसके बाद आगे आपके पास आ जाता है कि ये आपको पहले बता दें कि जब आप फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं ठीक है, तो सॉयल जो है ठीक है वो बैरन हो जाती है, इस काबिल नहीं रहती कि वो ज़्यादा देर तक प्लांट को सपोर्ट कर पाए ठीक हो गया। आगे उसके बाद देखें कि जैसे जैसे आप जंगलात काटते जा रहे हैं ठीक है, ट्रीज काटते जा रहे हैं, प्लांट काटते जा रहे हैं, तो एनवायरनमेंट के अंदर जो पोल्यूशन का लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो एनवायरनमेंट के अंदर जो पोल्यूशन का लेवल है उसे डिक्रीज करने के लिए, डाउन करने के लिए आपको एफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। एफॉरेस्टेशन में क्या होता है, जैसे आपको पहले बताया कि उस जगह पर जंगल स्टैब्लिश करना या वुड स्टैब्लिश करना या प्लांट्स स्टैब्लिश करना जहाँ पे पहले कभी भी प्लांट्स मौजूद ना हो, तो उसे एफॉरेस्टेशन बोला जाता है, जो कि पोल्यूशन को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर सकती है। आगे बता रहा है कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंटल रोल है नेचुरल कार्बन सिंक को बिगाड़ने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, अपसेट करने के लिए। अब कार्बन सिंक क्या होते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। अब ये जो कार्बन सिंक है ना ठीक है, आपने याद रखना है हमेशा कि एनवायरनमेंट के अंदर वो वाली सोर्स या एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी ऐसी रिसोर्स जो कि क्या कर लेती है, कार्बन को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है एज ए रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़, उसे हम क्या बोल देते हैं, कार्बन सिंक बोल देते हैं। कि एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी ऐसी सोर्स या रिसोर्स जो कि एनवायरनमेंट से ही कार्बन को अपने अंदर क्या कर लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी फॉर फर्दर यूजेज ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, कार्बन सिंक बोल देते हैं। तो कह रहे हैं क्योंकि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं कार्बन सिंक को, जैसे कार्बन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट के अंदर वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और आपको पता है कि लाइफ के लिए जो कार्बन है ठीक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर कार्बन है, हमारे लिपिड्स जो हैं बॉडी के अंदर उनके अंदर कार्बन है ठीक है, हमारे कह लें कि जितने भी ज़्यादातर आपके पास ये कार्बोहाइड्रेट जो हैं ठीक है, इनके अंदर भी कार्बन है ठीक है। तो कार्बन का बहुत बड़ा रोल होता है बायो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में। आगे हम देखेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिक बायोम्स। अब टेम्परेट फॉरेस्ट कौन से होते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट वो वाले फॉरेस्ट जो कि ऐसे क्लाइमेट में मौजूद होते हैं वहाँ जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता, तो जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, और वो वाले फॉरेस्ट जो कि ट्रॉपिक बायोम से बिलोंग करते हैं यानी गर्म इलाकों से बिलोंग करते हैं ठीक है, उन फॉरेस्ट को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं ना उस तरीके से हम उन फॉरेस्ट को रिप्लेस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बहुत सारे क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे हैं ठीक है। और ये अभी तो कोई इतना खास नहीं हमें पता चल रहा, ये कोई 10-15 साल बाद आपको बहुत ज़्यादा जो है ना ठीक है ये क्लाइमेट के हवाले से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और अदर कंट्रीज़ जो हैं ठीक है, पाकिस्तान के अलावा, वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि हमारा जो क्लाइमेट है वो ख़राब हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री जो कि पहले डेवलपिंग है, इनके पहले ही बड़े रोल हैं, तो वो क्लाइमेट के हवाले से अभी इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, लेकिन जो अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ठीक है, यानी वो वाली कंट्रीज जो कि बिल्कुल अब तरक्की पा चुकी हैं, वो इन कंसर्न्स के ऊपर फोकस कर रही हैं। अब आगे हम देखें अगला। अब आपको पता कि जो जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ठीक है वो इस्तेमाल होती है, कि जब भी प्लांट और फॉरेस्ट फोटोसिंथेसिस करेंगे तो एनवायरनमेंट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड सक करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे, और इन रिटर्न ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है ठीक है, ये ह्यूमन बींग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अदर एनिमल्स की लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है ठीक है। और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में एक प्रोडक्ट बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। तो प्लांट ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लेते हैं अपने अंदर स्टार्च के अंदर, तो आपको पता है कि ग्लूकोज के अंदर भी कार्बन है और स्टार्च के अंदर भी कार्बन है, तो इसका ये मतलब कि फोटोसिंथेसिस के जरिए जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन है जो यूज़ हो रही थी, वो प्लांट क्या कर रहे हैं, अपने अंदर रिजर्व कर रहे हैं, किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में और स्टार्च की फॉर्म में। तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए कार्बन सिंक के तौर पर भी रोल देते हैं ठीक है।
उसके बाद आगे आपको बताया था कि जो रीफॉरेस्टेशन, डीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन है वो मैंने आपको बता दिया। डीफॉरेस्टेशन में क्या होता है, जंगलात की कटाई, ठीक है। रीफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि उस जगह पे जंगल स्टैब्लिश करना जहाँ पे पहले मौजूद होता था कभी। और जो एफॉरेस्टेशन है उसके अंदर ये होता है कि उस जगह पे जंगल स्टैब्लिश करना या वुड स्टैब्लिश करना जहाँ पे बिल्कुल भी कभी भी कोई प्लांट वगैरह या जंगलात वगैरह नहीं होते थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, डिफॉरेस्टेशन एंड ईफॉरेस्टेशन। और लास्ट पे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ था, वो था कॉनिफरस फॉरेस्ट। अब कॉनिफरस फॉरेस्ट कौन से होते हैं, ऐसे फॉरेस्ट जिनके ऊपर कॉन्स लगती हैं। अब कॉन्स आपको पता होना चाहिए कि जितना भी आपके पास जो चिलगोजा है ना, ठीक है, ये कॉनिफरस फॉरेस्ट ही आता है, ठीक है। चिलगोजे वाले जो प्लांट है ना, ठीक है, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, कॉनिफरस फॉरेस्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये, फिर ये कॉनिफरस फॉरेस्ट आपके लिए फूड के वाले से भी इम्पोर्टेंट हो गए, और दूसरे नंबर पे ये आपका जो नजरन साइड है पाकिस्तान की, ठीक है, जहाँ पे माउंटेन वगैरह मौजूद है, और वहाँ पे क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपने अच्छी तरह देख लेना, इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं तो पूछ लेनी है। अल्लाह हाफिज़।